देखिए, अब हमारे पास स्टेप ये है कि अब हमें इनके टोटल करने, और हमें जो प्राप्त होगा वो होगा सिग्मा एफ डी डैश एक्स। तो माइनस और प्लस की जो संख्या है उनका अलग अलग टोटल करेंगे, उसके बाद इसको फाइनल रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो देखिए आप, यदि मैं इनका टोटल करूं तो ये मेरे पास आता है 51 माइनस का, और ये 0 हो गया, और प्लस का जो है 8 और 8 16, 16 और 5 21, 1 3 और 2 5। तो यहां पर भी आप देखेंगे कि प्लस का 51 आया। अब बात करें माइनस का 51 और प्लस का 51, यानी कि सिग्मा एफ डी डैश एक्स की वैल्यू हो गई हमारे पास 0 शून्य। अब फॉर्मूले की बात करते हैं अपन, तो देखिए एक बार हम जानते हैं कि एक्स बार से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला है ए प्लस माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन, या सिग्मा एफ इंटू आई, ये हमारा फॉर्मूला है। इसके लिए अभी हमारे को इसके नंबर्स जो है एन, इसकी भी बात करनी है, और इसकी बात करते हैं तो इसका टोटल जो है वो आता है हमारे पास 65 आएगा लगभग, करके देख लें आप, तो ये हमारे पास कितना आया 65। अब देखिए सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, हमें इसको फॉर्मूले में पुट करना है, तो अज्यूम मीन हमने कितना माना 70, तो मैं यहां 70 रखता हूं। अब सिग्मा एफ डी डैश एक्स की वैल्यू यदि माइनस में हो तो माइनस का साइन ले लेंगे, और प्लस में है तो प्लस का साइन ले लेंगे। हम तुमको पता है कि प्लस का मतलब एक जीरो वैल्यू है, तो हमने यहां पर एक प्लस का वैल्यू रखी, प्लस का साइन लिया, और इसकी वैल्यू रखी 0 अपॉन एन, यानी कि सिग्मा एफ का जो टोटल है वो कितना है 65, और आई जिसको हमने सबसे डिवाइड किया था वो हमने लिया था आई 20, और इस 20 को यहां पुट किया। नेक्स्ट हम इसको कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे कि ये तो अपने आप में ही शून्य हो जाएगा, क्योंकि 0 को 20 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 0 को 65 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। इस तरह से हमें पता चला कि एक्स बार इज इक्वल टू 70 रुपीज है, यानी कि एवरेज एवरेज इन एवरेज वेजेस जो है वो कितनी दी जाती है इन 65 एम्प्लॉयज को, वो दी जाती है 70 रुपए। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया, इसको एक बार वापस थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। देखिए एक बार, सबसे पहले हमने हमारे पास जो क्वेश्चन था उसके बेस पर हमने ग्रुप बनाया, और ग्रुप बना करके फ्रिक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में आपको स्टेप याद रखने हैं, हमें करना क्या क्या है। ये क्वेश्चन एक कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है, तो उसमें सबसे पहले हमें मेडियोली निकालनी होती है, मेडियोली निकालकर हम डीएक्स करते हैं, उसका डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन निकालने के बाद में यदि हम उसका स्टेप डेविएशन करना चाहते हैं, यानी कि इस आई को भी फॉर्मूले में यूज करना चाहते हैं, तो यदि समान वर्ग अंतराल आ रहा है तो हम उस बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं जिसमें जिसमें सबका भाग जा रहा हो। तो हमें पता चला कि 20 है, तो हमने 20 से डिवाइड किया। नेक्स्ट हमने इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, इसका टोटल किया, तो हमारे पास एक इसका टोटल और सिग्मा एफ या एन जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉई या वर्कर, उसका टोटल लेंगे, उसके बाद में हम उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद।